हेलो गाइस, मैं तरुण टाले और ये रही मेरी बजाज पल्सर NS125। तो आज हम इसका भाई एक डिटेल रिव्यू बनाने वाले हैं और ये जो कलर है ये बर्नेट रेड है। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करना ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहे इन्फॉर्मेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको ये नई ग्राफिक्स मिल जाती है। वैसे तो बाइक ही पूरी नहीं है 125cc सेगमेंट में, मतलब पल्सर की जो NS है वो खासकर 200 और 160 में आती है। तो ये 125 में फर्स्ट न्यूली लॉन्च हुई है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स डिज़ाइन मिल जाती है। ये पल्सर 3D में आपको लोगो मिल जाता है। इसके ये मिरर्स हो गए, कुछ आपको इस टाइप के मिल जाते हैं या फिर इस प्रकार से मिल जाते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये से फ्यूल गेज, मतलब रिजर्व पर लगन होता आप लगा सकते हैं। ये क्रैश गार्ड आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है, जो मेरे MT15 में नहीं आता, जो ये कम बजट वाली बाइक दे देते। तो एक बात मुझे अच्छी लगी, इसका ग्रैब रेल्स अगर आप पीछे के देखे हो तो देखो कितने शार्प है, मतलब बहुत ही खूबसूरत। और ये स्टिकर आपको पीछे मिल जाता है NS125 के बैजिंग, ये मैंने बाहर से लगाए। और यहाँ पर भी आपको थोड़े ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये पीछे पिलियन के लिए फुटरेस्ट हो गया, पीछे आपको भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलता। तो देख लो गाइस, आगे मिल जाते हैं। आगे की डिस्क अगर देखें तो थोड़ी छोटी है, लेकिन चलो कोई नहीं। और मेन भाई इसके अंदर ABS नहीं मिलता, लेकिन चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। और ये रिफ्लेक्टर हो गया, आपको कुछ इस टाइप का मिल जाते हैं, इधर के साइड और इधर के साइड मिल जाते हैं। इसका मड गार्ड थोड़ा सा छोटा कर दिया, 200 से अगर कंपेयर करें और 160 से कंपेयर करें तो। इसके इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में मिल जाते हैं, चलो ठीक है इस प्राइस रेंज में। और इसके हेलोजन हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं कुछ इस टाइप के, नीचे भी आपको पार्किंग लाइट्स मिल जाते हैं जो चलते वक्त ही शुरू होते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन चलो चेक कर देखते। हाँ, स्टैंड डाउन कंडीशन में भी रहते, बंद कर देते। इसकी जो चेसी है ये आपको न्यूली मिल जाती है, मतलब इस सेगमेंट में तो भाई कोई भी आपको कंपनी ऐसी चेसी प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर आप इसकी फ्रेम देखें तो आपको पूरी डिफरेंट मिल जाती है। यहाँ पर एक गियर लीवर और इसके फुटरेस्ट हो गए। यहाँ पर साड़ी गार्ड आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है, नंबर प्लेट के लिए जगह, और मेरी नंबर प्लेट आ भी गई है। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट जो आपको हेलोजन में मिल जाती है, इसको भाई LED कर देते तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं, हम इसे बाहर से भी करवा सकते हैं। ये इसके रिफ्लेक्टर, पीछे का मड गार्ड जो ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा दे दिया, लेकिन कोई नहीं। पीछे का भी ये मड गार्ड, जो पीछे का टायर है ना भाई, ऐसा पूरा दिखता नहीं है, लगभग 45% कवर है मेरे हिसाब से, और आगे का थोड़ा थोड़ा दिखता है। और ये जो रेड ग्राफिक्स है ना, ये पूरी इस तरह से होनी चाहिए थी भाई, बहुत गजब की दिखती है, लेकिन चलो कोई नहीं। आगे के जो सस्पेंशन है ये आपको टेलीस्कोपिक ही मिल जाते, मतलब USD फॉक्स नहीं मिलते और ना ही 200 में मिलते, लेकिन इनके अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत है, फर्स्ट क्लास। और इनकी विड्थ देखें तो ये भी आपको थोड़ी कम मिल जाती है, लेकिन ओके गाइज, नो प्रॉब्लम। और आगे के नंबर प्लेट के लिए जगह, और मेन भाई इसके अंदर एक फीचर देखो, लाइट्स मिल जाती है हैंडल के नीचे एल्यूमिनेटेड। इसकी की देखें तो आपको कुछ इस टाइप की मिल जाती है, जो बेसिक से है, इसको अपग्रेड करना चाहिए जो KTM में आता है देखो उस टाइप से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है, ये आपको ऑरेंज कलर का मिल जाता है। और ओडो जैसे आप सेट भी कर सकते हैं, ट्रिप 1 ट्रिप 2, बस इसमें तीन ही, ओडो ट्रिप 1 ट्रिप 2। ओके, और अभी तक मैंने 668 किलोमीटर चली हुई है। स्टैंड डाउन की इसके अंदर आपको वार्निंग मिल जाती है जो ओके यूज़फुल है, या फिर फ्यूल की वार्निंग, मतलब फ्यूल कितना है कितना नहीं। इंडिकेटर, न्यूट्रल की लाइट, हाई बीम मतलब पास की लाइट, बैटरी की लाइट, और ये इग्निशन अगर शुरू करते हैं तो उसकी लाइट, बजाज का ये जो लोगो है शुरू रहता है इसकी लाइट, RPM लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है अगर आप ध्यान से देखें तो, जैसे आप भरवा सकते हैं फ्यूल। इसके अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखें तो आपको 12 लीटर की मिल जाती है, जो ठीक है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा है इसके हिसाब से। और इसकी टोटल अगर रेंज देखें तो 600 किलोमीटर तक जा जाती है। और अगर इसकी एवरेज की बात की जाए तो अभी मुझे दे रही है 55-60 किलोमीटर, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा माइलेज इन सिटी।
और हाईवे पर तो भाई और भी ज़्यादा देती होगी, पता नहीं। और ये पीछे की टिल्ट आएगी डी, आपको कुछ इस टाइप के मिल जाते हैं, जो पहली भी आती थी सेम उसी टाइप सी। ब्लैक कलर में अब इसको कर दें हेलोजन इंडिकेटर पीछे के। एक भाई इसके अंदर ये जो है ना वायरिंग, ये इसको छुपाना चाहिए और वायरिंग का खर्चा हो जाएगा। पीछे आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, अगर ब्रेक मारूं तो देखो कुछ इस टाइप से। पिलियन की जो सीट है वो भी मतलब अच्छी खासी चौड़ी है और लेंथ वाइज भी अच्छी खासी है। और जो राइडर के लिए उसका कुछ भी कहने नहीं, मतलब वो फुल्ली कंफर्टेबल बैठेगा। इस बाइक का जो इंजन है ये आपको 125 सीसी का DTIS ट्विन स्पार्क का मिल जाता है, एयर कूल्ड ना ही ऑयल कूल्ड। सो ये जस्ट एयर कूल्ड ही है, मतलब इसके अंदर आपको कोई भी तरह का रेडिएटर नहीं मिल जाता और ना ही इसके अंदर कोई कूलेंट है। लेकिन हाँ, अगर आप मॉडिफाइड करवाओगे तो देखो, अगर आप यहाँ पर रेडिएटर लगवा सकते हो और कूलेंट भी। जो इसकी जो शेप है ना बॉडी की, वो पूरी 160 और 200 जैसी है, तो आप इसके अंदर 160 और 200 के भी मॉडिफिकेशंस करवा सकते हो। लाइक दैट पीछे के टायर आप चौड़े कर सकते हो। इसके अगर पीछे के टायर देखें तो आपको ये MRF के मिल जाते हैं, और इनके अगर टायर प्रोफाइल देखें तो मेरे हिसाब से ये है 100/90/70 इंचेस के टायर है MRF के, जो से ये रेडियल नहीं है, ट्यूबलेस है सिर्फ। और आगे के भी आपको MRF के मिल जाते हैं, और इनकी टायर प्रोफाइल देखें तो 80/17 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। इनके जो एलॉय की फिनिशिंग है गन मेटल फिनिशिंग के साथ मिल जाती है, और एक किक जो सही है भाई। इस बाइक की जो लुक है ना भाई, भाई क्या ही कहना, इतनी तगड़ी लुक है जो आपको 125 सीसी सेगमेंट में तो भाई मेरे हिसाब से कोई नहीं देता। और ये पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और ये आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते, और ये इसका एग्जॉस्ट आपको नीचे वाला मिल जाता है, बड़ा वाला नहीं मिलता, जो KTM ड्यूक वगैरह में आते हैं उसी टाइप। ये सेंट्रल स्टैंड हो गया जो अच्छी बात है, और टोटल इसमें आपको 5 गियर मिल जाते हैं। आपको पता होगा बजाज का लोगो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, पल्सर की ब्रांडिंग, और इधर की साइड DTSI ट्विन स्पार्क की ब्रांडिंग। तो चलिए अब इसके एग्जॉस्ट साउंड सुनते कैसी है। यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है जो सही है, देखो। यहाँ पर इसके नीचे का एग्जॉस्ट, सो ऐसी थी कुछ इसकी एग्जॉस्ट साउंड। कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। या फिर इसका कैथलेटिक कन्वर्टर हो गया जो नॉइस कम कर देते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं। बेसी आपको इसके अंदर एग्जॉस्ट मिल जाता है जो सही है, मुझे अच्छा लगा। और भाई अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इसकी जो नीचे वाली सीट है तो सिर्फ उसके अंदर ही आपको थोड़ी सी स्पेस, मतलब स्पेस नहीं, जस्ट देखो जैसे मैंने इसके अंदर एक क्लॉथ रखा है बाइक साफ करने के लिए, बस यही। इसके अंदर आपको फर्स्ट एड किट और टूल किट इसके अंदर होगी शायद, बस आपको इतनी सी स्पेस मिल जाती है। एक आप इसके अंदर मोबाइल आराम से कैरी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट भाई इसके ऊपर ना एक कपड़ा डाल देना, उसके बाद रखना, वरना भाई गंदा हो जाएगा आपका मोबाइल। और ऐसे आप ऐसे लॉक भी कर सकते हैं। सो ये इसकी छोटी सी थोड़ी स्पेस। इस बाइक के अंदर टोटल 4 से 5 कलर आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो मैंने ये बाइक ली 125,000 rupees इन दिवाली सीज़न, तो दिवाली में भी इसके ऊपर कोई भी ऑफर नहीं थे। इसका जो टैंक है ना, मतलब इतना शार्पनेस से भरा है, देखो या सिर भी कट और यहाँ तक आपको प्रॉपर एक शेप मिल जाता है जो देखने में भाई बहुत अच्छा लगता है। और अगर भाई ऐसे रोड पर से जाए अगर फास्ट में, तो कोई भी नहीं बता सकते कि 125 cc है या फिर 160 cc है, बिकॉज इसकी जो लुक है वो 100% सेम टू सेम है 160 और 200 से। मेरे हिसाब से देखूँ तो मैं इसको डेली चलाता हूँ, और मुझे भाई कोई भी अभी तक परेशानी नहीं हुई, वैसे 2-3 हुए, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। हैंडल की बात की जाए और इसके बटन्स की, तो यहाँ पर आपको पास लाइट मिल जाती है, इसके
हाई बीम लो बीम के लिए बटन, इसके इंडिकेटर्स ऐसे बंद शुरू कर सकते हैं। हॉर्न कुछ इसका ऐसे थोड़ा बल्कि है, डिसेंट सा। ये किल स्विच हो गया जो एक बाइक में मिसिंग है, आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। या पर आपको थोड़ी सी सिल्वरिश हाईलाइट मिल जाती है, और इसका जो पहले से ही आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो उसी टाइप से कोई भी चेंज नहीं, सिर्फ इसके जो लाइट है इसके अंदर थोड़ा आपको चेंज मिल जाता है, ये आपको ऑरेंज मिल जाती है। सो उतना कुछ मैटर नहीं करता, इसके आगे की कुछ लुक हो गई। फीचर वाइज देखे तो इसके अंदर उतने आपको फीचर नहीं मिलते जो बाकी बाइक्स में मिल जाते हैं, जैसे कि होंडा एसपी हो गई, टीवीएस रेडर हो गई, उसके हिसाब से इसके अंदर फीचर आपको थोड़े कम मिल जाते हैं, लेकिन जो इसके अंदर चलाने का मज़ा है वो भाई नेक्स्ट लेवल है, बाकी बाइक्स से बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा पे ज़्यादा करना पड़ेगा अदर बाइक्स टू, लगभग 10 से 5 हज़ार तक का डिफरेंस है बाकी बाइक से अगर कंपेयर करें तो। लेकिन जो इसके अंदर आपको पावर और जो फील मिलती है प्रैक्टिकल लाइफ में वो भाई नेक्स्ट लेवल है। और अगर आपको इसके ऊपर और भी वीडियो चाहिए होगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अगर भाई वीडियो अच्छे लगे तो एक आप लाइक कर सकते हो। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।